हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्मी आर्ट क्रिएशन। मैं हूं आपकी दोस्त लक्ष्मी। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही कैटी सा और ब्यूटीफुल सा, कलरफुल सा एक बहुत ही ब्यूटीफुल शो पीस। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये लग रहा है ना बहुत ही ब्यूटीफुल सा, जैसे हम लोग मार्केट से खरीद के लेके आए हैं। बहुत ही कलरफुल सा, बहुत ही प्रिटी सा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, इन्जॉय कीजिएगा और अच्छा लगने से एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली को ज़रूर ये अपने हाथों से बना के उनको गिफ्ट कीजिएगा। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं मैंने इसे किस तरीके से बनाया है, कैसे बनाया है, उसके लिए आप लोगों को ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो आई होप आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे और देखने के बाद और अच्छा लगने के बाद आप लोग एक लाइक ज़रूर कर देंगे। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो मैंने भी इसे किसी को गिफ्ट देने के लिए मैंने इसे रेडी किया है। तो आई होप आप लोग भी ज़रूर अपने दोस्त या फैमिली को, किसी को भी, चाहे अपने सिस्टर को हो या अपने ब्रदर को हो, किसी को भी आप लोग इसे गिफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं मैंने इसे किस तरीके से बनाया है। तो यहाँ पर हमें वॉल पुट्टी की ज़रूरत है और वॉल पुट्टी ओनली 40 रुपीज़ का ही मिलता है। और देखिए इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा पानी देके और थोड़ा थोड़ा पुट्टी देके इसे डो को रेडी करना है। ज़्यादा पानी मत दीजिएगा, नहीं तो बहुत जल्दी से ये स्टिकी हो जाता है। थोड़ा थोड़ा हम लोग जैसे आटा गूंथते हैं ना, सेम उसी तरह से आप लोग इसे अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पर मेरा डो रेडी है। अब मैं यहाँ पर आवल का बॉडी बना रही हूँ और यहाँ पर मैंने हेड भी बना लिया है। मैंने यहाँ पर 3 आवल बना रही हूँ, जैसे कि आप लोग देखे हैं वीडियो में। तो यहाँ तीनों आवल के लिए मैं यहाँ रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये 2 लेग बना लिया है आवल का। तो इसे कुछ इस तरीके से शेप देना है हमें और ये थोड़ा थोड़ा करके जब सूखेगा तभी आप लोग इसे यूज़ कीजिएगा। डायरेक्ट आप लोग इसे यूज़ करने जाएंगे तो फिर थोड़ा इधर उधर हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। कसा जब ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा ना तभी आप लोग इसे यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने आइस भी बना लिया है। देखिए इस तरीके से हम लोग आइस को भी रेडी करेंगे, जैसे वाटर ड्रॉप होता है, सेम हम लोग उसका पैर भी बनाएंगे और उसका आइस भी बनाएंगे। तो यहाँ पर वो नीचे गिर रहा था तो उसके सपोर्ट के लिए मैंने वहाँ पर एक ट्री रख दिया है यहाँ पर साइड पे, तो वो नीचे नहीं गिरेगा। हमें वाटर ड्रॉप का जो शेप होता है सेम उसी पैटर्न में हमें सब कुछ कवर करना है। यहाँ पर और एक आवल बना रही हूँ लेकिन इसका पैटर्न कुछ अलग है। यहाँ पर हम लोग ट्विट पिक का यूज़ करेंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सेंटर में, बॉडी के सेंटर पे ट्विट पिक को हम लोग यहाँ पर डाले हैं और उसके ऊपर हम लोग हेड को जोड़ देंगे। तो हमारा हेड बार बार इधर उधर गिरेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है ना डो, तो आप लोगों को ये एडजस्ट करने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसलिए मुश्किल ना हो इसलिए मैंने आप लोगों को ट्विट पिक का यूज़ करने के लिए बोला है। अगर आप लोगों को ये इजी लगे तो ज़रूर इस तरीके से आप लोग बनाइएगा। और देखिए यहाँ पर मैंने इसी पैटर्न से ही मैंने यहाँ पर आइज़ भी रेडी कर लिया है, लेग्स बनाना दिखा दिया है किस तरीके से हम लोग लेग्स बनाएंगे, और यहाँ पर मैंने फेदर भी बनाना दिखा दिया है। तो चलिए फिर मैं इसमें और एक फेदर बना के दिखा दूँगी ये किस तरीके से हम लोग को बनाना है। तो देखिए ये तीनों बनके कंप्लीट हो गया है, बस हम लोग अभी कलर करेंगे। इसे ड्राई होने के लिए एक दिन के लिए रख दीजिएगा। तो देख जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से ये ड्राई हो गया है, मैंने एक दिन के लिए रख दिया था और ये अच्छे तरीके से ड्राई भी हो गया है और हार्ड भी हो गया है। अब हम लोग इसमें कलर करेंगे। तो कलर के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है एक्वेलिक कलर, क्योंकि इसमें एक्वेलिक कलर बहुत अच्छे से बैठ जाता है।
तो हम लोग यहाँ पर एक्रेलिक कलर यूज़ करेंगे। कलर आप लोगों को जो अच्छा लगे आवल का, आप लोग वो कलर यूज़ कीजिएगा। इसमें से एक दो कलर है जो मेरे को बहुत डाउट हो रहा था कि मेरे को ये कलर करना है, ये नहीं वो नहीं, बहुत कंफ्यूज हो रही थी कौन सा कलर करूँ तो बहुत ही अच्छा लुक आए। तो लास्ट में जो आप लोग वीडियो में देखे हैं कि मैंने कौन सा कलर यूज़ किया है, लास्ट में मैंने वही कलर यूज़ किया है। तो मेरी कलर पर मत जाइएगा, जो आप लोगों को कलर अच्छा लगे आप लोग वही कलर यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पर जो ये बेस देख रहे हैं इसे भी मैंने वॉल पुट्टी से ही बनाया है। अगर आप चाहे तो आप लोग कार्डबोर्ड से भी बना सकते हैं। सेम इसे वॉल पुट्टी का डोर रेडी करेंगे और कुछ इस तरीके का स्ट्रिप जो है काट के हम इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। ड्राई हो जाएगा तो फिर इस तरीके से हम लोग इसे ब्राउन कलर का एक लुक देने के लिए हम लोग ब्राउन कलर का पेंट कर लेंगे। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया है और ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कलरफुल लग रहा है। आप लोग को जो भी कलर अच्छा लगे आप लोग वो कलर यूज़ कीजिएगा, ठीक है। मैं तो बहुत कुछ कलर सोचने के बाद फिर मैंने ये डिसाइड किया था। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्जॉय किए होंगे वीडियो को। और जो भी मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मेरे साथ जुड़िए और आगे भी हम लोग बहुत ब्यूटीफुल सा क्राफ्ट बनाते रहेंगे और हम लोग इन्जॉय करते रहेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को क्लिक करना पड़ेगा, तो आप लोगों के पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो टेक केयर, चलती हूँ एक फिर से आप लोगों के लिए न्यू वीडियो रेडी करने के लिए। तो फिर से हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में बहुत ही जल्दी। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।